कैसे हो? तो भाई फोटो लेने के लिए रुक गया भाई। फॉलो कर रहे हैं अच्छा हाँ अरे बिल्कुल ऑब्वियस भाई, आओ ना, बाइक बंद कर दी, बाइक को कर लेते थोड़ा फॉल्स स्टार्ट एंड बीस्टी इज ऑन। तब तक दरवाज़ा खोल लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। घर से निकलते ही हम तो फंस गए भाई जाम में एंड पेट्रोल की टंकी की तरफ देख देख के ना मुझे हो रही है धक धक। जब भी निकालता हूँ ना ऐसी खाली मिलती है। आज फिर डलवाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। अंकल जी बिल्कुल ही रॉन्ग साइड में आ रहे हो। चलो भाई हम पहुंच गए थोड़ा सा रोड पे। जैसे ही भाई मैं निकला ना घर से वैसे ही भाई धूप पहुंच गई बिल्कुल। वेरी नाइस। गियरिंग टेस्ट अभी करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भाई आज चला रहा हूँ। सॉरी फर्स्ट टाइम तो नहीं, दूसरी तीसरी बार आज मैं चला रहा हूँ ग्लव्स पे बट विद गोप्रो ऑन। ये फर्स्ट टाइम है, आज फर्स्ट टाइम टेस्ट करूँगा भाई। सारी चीज़ें इनके बारे में बताऊँगा भाई, कैसा क्या रिव्यू इनका। टैंक ऑलमोस्ट फुल, 1,010 रुपये में टैंक कैसा फुल हो गया, मज़ेदार। चलते हैं निकलते हैं। फुल की फीलिंग अलग आती है भाई, चाहे गाड़ी हो चाहे हो बाइक। बारिश आ गई भाई साहब, बारिश गिरनी शुरू। और ये वाली बारिश नहीं पता भाई, धूप भी है बारिश भी है भाई, मौसम का ही नहीं पता। दिल्ली में 53 डिग्री टेम्परेचर टच करने के बाद भाई भगवान वाले मैं तो कह रहा हूँ आज राइड करके वापिस आऊँ ना, बारिश ही मिले पूरा धूमधार भाई साहब, थोड़ा सी तो शांति मिलेगी। इसको एक अच्छा सा रोड ढूंढना पड़ेगा जहाँ हम अपन इसको 1, 2, 3 लास्ट सी। हम पहले 3 गियर की बात करेंगे आज, कोई टॉप स्पीड की कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। एंड लेट्स सी कि भाई पहले 2-3 अपना गियर्स के अंदर कैसे क्या जाती है। मैं सोच रहा हूँ कैंप के ऊपर चल के थोड़ा सा सीन क्रिएट करें बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बाइक अलाउड है नहीं है, क्या सीन है। लो भाई हम चढ़ गए एक्सप्रेस वे फाइनली। ओहो कर्व्स पे लीन भाई, हर चीज पे भरोसा है पर ओवर नहीं होना। लीन ठीक हो रही है बट ज्यादा फ्लो में नहीं आने का है। थोड़ा खुला रोड दिख तो रहा है बट केएमपी एक्सप्रेस वे जो अपना ये है इस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। पॉसिबली वो हमें वापस कर देंगे लेकिन मैं ट्राई मारता हूँ कि फर्स्ट जो अपना टोल आएगा ना वहाँ से यू टर्न मार ही ले और हमारा टेस्ट भी हो जाए। तो ये तो था भाई कुछ स्टैंडिंग पोजीशन एंड हेयर वी गो। ये फर्स्ट गियर मेरे ख्याल से भाई 40 क्रॉस होगी होगी, तो बेसिकली भाई सेकंड गियर के अंदर जा रही है 145 एंड पहले में जा रही है 125 के अराउंड। एंड भाई तगड़ा, भाई तगड़ा, किसे टायर भी उठ गए थे और बस अपना तो इतना ही है भाई। यहाँ के अपने होश हो जाते हैं भाई थोड़े से टाइट एंड रिस्पॉन्सिबली करेंगे सारे के सारे काम। और मौसम यहाँ ठीक है, टेम्परेचर भी ड्रॉप होना शुरू हो गया है, 93 आ गया है। एंड थर्ड अगेन, भाई 170 अपनी रील लास्ट स्पीड मान के चले गए, इससे ऊपर मैं नहीं लेके जाने वाला इस बाइक को। वो भी रोड खुला था, थोड़ा डिसेंट सा रोड आ गया था, इसी वजह से सारे काम हमने कर लिए हैं। एंड ये भाई कुछ चेंज सा कर रहे हैं तो अपना सीन कुछ ऐसा है कि भाई भाई कह रहे हैं कि एक बारी रोक ले रोक ले, तो मैं एक बारी रोक ही लेता हूँ। मे बी सुपर बाइक देख के भाई बहुत बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट इनकी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, दिखा देते हैं भाई बाइक्स। छोटा बच्चा था ये, तेज हो गया, आपको फोटो करता है कहाँ पर हो आप? नरेला। छोटा बच्चा था मेरे साथ, कहते हैं आपको फोटो वगैरह करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, आपको फॉलो करते हैं, इसको आपके साथ एक फोटो क्लिक। अरे बिल्कुल ऑब्वियस भाई, आओ ना, बाइक बंद कर दी, पीछे से
होंगे कहाँ। तो भाई फॉलो करते हैं, कहाँ गए? अरे हेलो आप व्लॉग में आ रहे हो, ये वाला व्लॉग दिखेगा आपको, व्लॉग में भी दिखोगे आप। लो भाई दोस्त फोटो लो, ले तू ले ले। लो मैं लेता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो अभी? नरेला। आप भी आ जाओ, ठीक है ना। फर्स्ट गियर में आप ही खुद नोट करना, सेकंड में आप ही खुद नोट करना, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ भाई रोड। एंड अभी द बाइक इज इन पोजीशन, हैजर्ड लैंप ऑन, एंड हियर वी गो। यहाँ पे भाई साहब हमारा टेस्ट हो जाता है खत्म। व्हाट अ लेवल। ओ पहले भाई साहब 115, सेकंड में 145, एंड थर्ड में भाई साहब 175। गाइस ये क्या बोलते इसको, ये थाई ग्रिप मतलब बहुत ही जबर तरीके से काम कर रही है। एंड अल्टीमेट बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि मतलब ग्रिप है और शोल्डर्स पे और हैंड्स के ऊपर ना कोई पेन नहीं आ रहा है सच। तो सारा का सारा ट्रैक्शन इसने बना लिया, क्योंकि जब ब्रेकिंग लेते हैं ना तो सारा का सारा पोजीशन अपना इनके ऊपर आके सेट हो जाती है। अर्टिगा वाले भैया ने रोक ही लिया, बहुत देर से एक्साइटेड थे फोटोज़ के लिए, तो मैंने कहा वैसे चलती में तो फोटोज़ नहीं, साइड ही लगा लेते हैं। एंड बाकी ग्लव्स का जो रिव्यू है तगड़ा है, मतलब अच्छे हैं ग्लव्स नो डाउट। और हाँ बाकी आज मैं पूरी गियर्स के अंदर आया नहीं हूँ, और सारा का सारा सीन कुछ ऐसे है, लोअर के अंदर हूँ भाई, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूँ। एंड बारिश से देखो भाई बाइक हो गई है भीगी। एंड ये गाइस फोटोज़ के लिए रुके हुए थे। हेलो कैसे हो? तो भाई फोटोज़ के लिए रुके हैं। फॉलो कर रहे हैं बहुत देर से। अच्छा कुछ ज्यादा ही पीछे है इसके, जरूरी भी है इनसे दूरी इसके लिए। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, राइड सेफ। हाँ बिल्कुल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थैंक यू गाइज थैंक यू गाइज। जैसे ये बंदे भी लेना यार, बहुत दिल को ना सीरियसली बहुत खुशी होती है सुपर बाइक ऑन करने के बाद। बट यार ये सब चीज़ें ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। जैसे आज हमने टेस्ट किया, आई वाज ऑन अ वेरी ब्लैंक रोड, और जब मुझे मौका मिला, जब मैंने वो चीज़ कंडक्ट करी है, उसके अलावा भाई कोई भी हाइपर राइडिंग, कोई भी फुकराबंदी वाला सीन नहीं करना होता भाई इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि भाई ये मशीन बहुत पावरफुल है। एंड भाई जैसे वो छोटे बच्चे थे, उनका भी एड्रेनलिन पुश कर देती है। तो भाई आप सोचो जवान बड़े एज के 20-25 साल से ऊपर के बंदों का कितना करती है। तो बस इसी की मेन चीज़ यही है कि पिन लिमिट्स एंड एंजॉय द राइड, बस कुछ नहीं है भाई। टॉप स्पीड कुछ नहीं है भाई, हाइपर राइडिंग कुछ नहीं है, ये ड्रामे सारे के सारे वेस्ट हैं, जस्ट एंजॉय द राइड पीसफुली। हाँ तो गाइज हम पहुँच चुके हैं घर पे राइड कंप्लीट करके। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी भाई, जितने लेवल तक हमें जाना था उतना मैंने कर दिया है, एंड वी आर अबाउट टू रीच। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कर देते यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलता है गाइज। तो पूरी फन राइड के बाद फाइनली बैक टू होप, सी यू लेटर इन नेक्स्ट राइड।